उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाए हैं और इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल यानी मंगलवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय से सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से सहयोग लेंगे और जनता के बीच जाएंगे। वहीं पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दोबारा सत्ता में बैठने के 100 दिनों पर प्रदेश में भ्रष्टाचार के चरम पर होने की बात करते हुए कहा कि केवल नाकामी ही हाथ लगी है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा उठाए गए स्वास्थ्य विभाग के तबादलों को लेकर भी तंज कसा है। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। वहीं अखिलेश यादव ने ओपी राजभर की नसीहतों का भी जवाब दिया और कहा कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, कोई नाराज है तो हम क्या करें। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ। कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। वहीं अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में बनी भाजपा की सरकार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि वहां पर ईडी की सरकार है। देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है, जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है महाराष्ट्र में, तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है। और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है, आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में क्या नहीं की थी। अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को छिन्नित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है।